नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट फोन्स के बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं ओप्पो का F9 Pro जो कि सपोर्ट करता है वूक चार्जिंग को, इसके अलावा है MIA2 जो कि सपोर्ट करता है क्विक चार्जिंग 4.0 को, और इसके अलावा है हमारे पास हॉनर प्ले जो कि सपोर्ट करता है हुवावे का क्विक चार्जिंग। तो देखना होगा कि कौन सा फ़ोन है जो कि कम से कम टाइम लेता है कंप्लीट चार्ज होने में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा फ़ोन है जो कि 0 to 100% कंप्लीट चार्ज होने में कम टाइम लेता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि हम तीनों ही फोन्स के लिए फास्ट चार्जिंग का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको ओप्पो F9 Pro मिलता है 3500 mAh का बैटरी जो कि सपोर्ट करता है वूक चार्जिंग को, और इनबॉक्स आपको इसमें चार्जर मिलता है 5V और 4A की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और अगर हम बात करते हैं Xiaomi MIA2 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 3020 mAh का बैटरी और यह सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0, बट आपको इनबॉक्स फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज हम इस कंपैरिजन के लिए Xiaomi का फास्ट चार्जर यूज कर रहे हैं जो कि आता है 9V और 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और अगर हम बात करते हैं Honor Play की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 3750 mAh का बैटरी और बॉक्स में आपको Huawei का क्विक चार्जर दिया गया है। तो यह है कंप्लीट सिनेरियो इन तीनों ही फोन्स का। अभी ये तीनों ही फोन है 0% पे, चलिए चार्ज करते हैं इनको 100% तक और देखते हैं कि कौन सा फोन कम टाइम लेता है इन कंप्लीट फोन को चार्ज करने में। तो चलिए करते हैं इस कंपैरिजन को स्टार्ट। तो यह था चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन तीनों ही फोन्स के बीच में। सबसे पहले कंप्लीट किया है MIA2 जहां पर टाइम लगा 1 hour and 24 minutes का। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो वहां पर बैटरी था सिर्फ 3020 mAh का, जिसको कि चार्ज होने में ऑलमोस्ट 85 मिनट्स का टाइम लगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओप्पो के F9 Pro की, तो वो काफ़ी अमेजिंग चार्जिंग स्पीड देता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 3500 mAh का बैटरी और यहाँ पर टोटल टाइम लगा है 1 hour and 33 minutes का। कहने का मतलब यह है कि आपका पूरा फ़ोन 0 to 100% 100 मिनट से भी कम टाइम में चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी चार्जिंग स्पीड देखने को मिली है और मुझे लगता है कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि हमने देखा है डैश चार्जर, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लेता है चार्ज होने में। और अगर हम बात करते हैं Honor Play की, तो वहाँ पे टाइम लगा 2 hours and 30 minutes, जो कि ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं वूक चार्जिंग का, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देखने को मिल रहा है क्योंकि बैटरी MAH में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे आपको मिला था 3750 mAh का बैटरी, जबकि ओप्पो F9 Pro में दिया गया था 3500 mAh का बैटरी। और यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है चार्जिंग का, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ओप्पो की जो वूक चार्जिंग है, नो डाउट काफ़ी फास्ट है। और अगर आप अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, तो फिर आपको वूक चार्जिंग के लिए ओप्पो F9 Pro पे जाना चाहिए। तो नो डाउट एक अच्छा टाइमिंग हमको देखने को मिला ओप्पो F9 Pro का। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है सवाल इस जाओ, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।